उधर अयोध्या विवाद के संभावित फैसले से पहले रामनगरी में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। अब सुरक्षा की कमान एडीजी LOPV रामा शास्त्री ने संभाल ली है। आज अयोध्या में PV रामा शास्त्री ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को तकनीक के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। रामनगरी समेत पूरे प्रदेश में एक बार फिर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सरगर्मी बढ़ गई है। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही पुलिस ने भी प्रदेश में संवेदनशील स्थानों की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को रामनगरी में सुरक्षा हालातों का जायजा लेने खुद ADG LOPV रामा शास्त्री पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या के एलो जोन और राम जन्मभूमि परिसर के रेड जोन का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ADG LO ने नई तकनीकी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इसमें बार बार सीनियर ऑफिसर्स के लेवल में विजिट्स करके इसका मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है कि जिससे मैं समझता हूँ कि जितने भी ऑकेशंस हैं जो आपने मेंशन किया है सारे सकुशल शांतिपूर्ण हो जाएंगे। फैसले से पहले रामनगरी में पहरा तेज हो गया है। अयोध्या में जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। हर आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर साफ लगता है कि यहां पुलिस की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अयोध्या में तकरीबन 47 कंपनी अर्धसैनिक बल और 15 कंपनी PSC तैनात की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल भी मुस्तैद किया गया है। नगर में कई जगहों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही DGP मुख्यालय स्तर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जा रही तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने भी रामनगरी में डेरा डाला हुआ है। रामकोट क्षेत्र में CCTV के जरिए निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ होटलों और धर्मशालाओं में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आसपास के जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जो अभी जो आज मैंने देखा कि जो पहले का जो सिस्टम हमारे जो सिक्योरिटी स्कीम के अनुसार हैं, अभी वो उसी के अनुसार लोग सीरियसली अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और कुछ इसमें भी निरंतर वृद्धि की जा रही है और टेक्निकली भी और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर लेते हुए इक्विपमेंट भी सारे को मेंटेनेंस भी अच्छी तरह कराया जा रहा है और आगे नए इक्विपमेंट भी लिए जाएंगे, इससे और सुदृढ़ हो जाएगा। तो फैसले से पहले रामनगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे परिंदा भी बिना इजाजत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब जल्द ही अयोध्या मामले पर फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में अयोध्या की नजरें भी देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हैं। आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।